हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आप इस वीडियो में आए हैं इसका मतलब है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आप कुछ सीखना चाहते हैं और जो सीखेगा वही कुछ करेगा, कुछ अलग करेगा। तो कौन से लोग सीखेंगे और कौन लोग नहीं सीखेंगे, दो तरह के लोग होते हैं। तो कौन से लोग सीखेंगे, एक्चुअली मैं यही बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था सीखने के बारे में। तो ज्ञान लेना, ज्ञान एक ऐसा चीज है, ज्ञान एक समुद्र है और मैं समझता हूं कि इस समुद्र में हम लोग एक बूंद के बराबर भी नहीं है। हम लोगों में इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है कि हम लोग एक बूंद के बराबर हो सके, लेकिन हम लोग सीखने का प्रयास कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सीखते रहते हैं। लोग लाइफ टाइम तक सीखते हैं, वो जिंदगी भर सीखते रहते हैं। जितना सीखते हैं उतना ही उसको पता चलता है कि वो तो कुछ नहीं जानता। सीखने के लिए मैं समझता हूं दो कंडीशन बहुत जरूरी है। आइए मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको स्टोरी बता देता हूं। एक साधु था जो भिक्षा के लिए इधर उधर घूमता था। तो एक घर में हमको लगता है कि वो 1 वीक या 10 डेज 10 दिन के अंतराल में एक घर में पहुंच जाता था। तो वहां पे एक आदमी था, वो उसको भिक्षा देता था। एक दिन उसके मन में आया कि साधु बाबा, आप 1 सप्ताह 10 दिन के अंतराल में आप आते हैं यहाँ पे, आप हमें कुछ ज्ञान दीजिए। तो साधु बोला कि ठीक है, मैं अगली बार जब आऊंगा तब मैं ज्ञान दूंगा। दूसरे दिन जब वो साधु बाबा उनके घर में आता है तो उनके कमंडल में कुछ भरा हुआ था। वो जब चावल देने के लिए जाता है तो उसमें जगह नहीं रहता है। तो वो आदमी बोलता है कि आप जो है कमंडल को खाली कीजिए, उसके बाद तो मैं चावल दूंगा। तो वो कमंडल को खाली तो नहीं करता है, लेकिन वो उसी में बतलाता है कि जिस तरह ये कमंडल खाली करने के लिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भरा हुआ है, उसी तरह सबसे पहले आपको अपना दिमाग खाली करना होगा, जो मैं आपको ज्ञान दूंगा, तभी तो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टोरी से मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप तो जानते ही हैं, तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप सीख भी नहीं सकते। क्योंकि जिन्हें सब पता है उसे कौन सिखाएगा, वो सीखने के लिए इच्छुक नहीं है। मैं एक वाक्य, एक जो मेरे साथ हुआ था वो मैं बतलाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं एक ट्यूशन मुझे मिला, एक बच्चे के पास गया और वो बच्चा बैठा हुआ है। मैंने बोला कि अरे भाई, सब्जेक्ट लिखा लो कि क्या पढ़ना है, क्या पूछना है, मैं भी देखूं। तो वो बच्चा बोलता है, सर मैं कौन सा सब्जेक्ट निकालूं। तो मैंने बोला कि जो तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, जो कमजोर सब्जेक्ट है, वैसा कोई सब्जेक्ट निकाल लो, फिर मैं बतलाता हूं तुमको। तो बोला, सर मैं तो जितना भी सब्जेक्ट है सब तो मैं जानता ही हूं। तो फिर अजीब बात हो गया, मैं अचंभित रह गया कि सब तो जानता ही है, तो फिर ये क्या पढ़ेगा। तो रियल में होता क्या है कि बच्चे समझते हैं कि मैं तो सब जानता हूं, वाकई में जो नहीं जानते हैं वही समझते हैं कि मैं तो सब जानता हूं। तो इस तरह का इस कंडीशन में वो व्यक्ति नहीं सीख सकता, वो बच्चा भी नहीं सीख सकता। जब मैं उसको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कुछ पूछना शुरू किया तो फिर वो बताना उसके लिए मुश्किल हो गया, तब उसको पता चला कि मैं नहीं जानता हूं। तो इसी तरह से जिसको पता रहेगा कि मैं नहीं जानता हूं, मुझे जानने की आवश्यकता है, वही व्यक्ति सीखेगा, वही व्यक्ति सीखेगा। कंडीशन नंबर 1 हो गया, जिसको पता है कि मैं नहीं जानता वही सीखेगा। दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 में आता है इंटरेस्ट, रुचि। हर व्यक्ति का अलग अलग चीजों पे रुचि होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का सोच अलग होता है। किसी का भी सोच एक दूसरे से मिलता नहीं, या फिर मिलता है तो एक्यूरेट नहीं मिलता है। इसी तरह से जिसका जिस चीज पे रुचि है, जिस चीज पे इंटरेस्ट है, उस चीज को वो बेहतर ढंग से सीखेगा और उसे सीखने देना चाहिए। आप किसी से मिलते होंगे, देखते होंगे, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी चीज की बात करेगा। अगर गेम में इंटरेस्ट है तो गेम के बारे में बोलेगा, क्रिकेट वगैरह जो चलता है इस पर वो इंटरेस्टेड है तो उसके बारे में बोलेगा। कोई पढ़ाई से इंटरेस्टेड है तो अपने सब्जेक्ट्स की बात करेगा, पढ़ाई की बात करेगा। कोई और किसी चीज पे, मार्केट पे, कोई स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट रखता है तो उस पर बात करेगा। कोई गाड़ियों पे अगर इंटरेस्ट रखता है तो उस पर बात करेगा।
मतलब हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बातें करता है और उस चीज पे वो ज्यादा फोकस करता है, जिसके वजह से वो उस चीज को ज्यादा बेहतर सीखता है। इस तरह से मैं आपको एक बार और याद दिला देना चाहता हूं कि कंडीशन नंबर वन, अगर व्यक्ति को पता है कि वो नहीं जानता है, फिर वो सीखने के लिए तैयार होगा, वो सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। और कंडीशन नंबर टू, जिस सब्जेक्ट पे उसको रुचि है, जिस सब्जेक्ट पे उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको वो सीखेगा, उसको सीखने के लिए वो तत्पर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह के अगले वीडियो में, एक मोटिवेशनल वीडियो में फिर से मैं मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।